नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज, सच्चाई के साथ। जनपद पौड़ी सहित प्रदेश भर में एक बार फिर से राजस्व निरीक्षक व उप निरीक्षक अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल में बैठ गए हैं। ये राजस्व निरीक्षक व उप निरीक्षक रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों को एकीकृत न किए जाने व समान कार्य के लिए समान वेतन देने की मांग सहित चार सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। राजस्व निरीक्षक व पौड़ी तहसील अध्यक्ष विजय राम पंत ने बताया कि वे पिछले लंबे समय से अपनी चार सूत्रिया मांग को लेकर सरकार से लगातार विनम्र आग्रह करते आ रहे हैं कि प्रदेश सरकार इनकी मांगों में कोई ठोस निर्णय ले, मगर लंबा समय बीत जाने के बाद भी अब तक उनकी जायज मांगों पर प्रदेश सरकार की ओर से कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के सभी राजस्व निरीक्षक व राजस्व उप निरीक्षक हड़ताल पर चले गए हैं। उन्हें कहा कि प्रदेश सरकार अगर जल्द ही उनकी चार सूत्रिया मांग पर कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो ये अपनी हड़ताल को उग्र रूप दे देंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। जो ये हड़ताल है, ये प्रांतिकारी के आह्वान पे है। हमारा मेन मुद्दा ये है, रजिस्ट्रार कानून और हमारे सुपरवाइजर कानून का एकीकरण का विरोध है। सबसे पहली मांग हमारी है, यदि वो एकीकरण हमें किसी हाल पे भी स्वीकार नहीं है, और ये यदि वो एकीकरण करते हैं, हमारा अभी शासन में प्रस्ताव गई है, हुआ नहीं अभी, राजस्व परिषद ने शासन को भेज दिया है। यदि वो एकीकरण होता है तो हमारा आंदोलन उग्र होगा, और जब तक वो करते हैं तब तक हमारी कलमबंद हड़ताल रहेगी। मांगे हमारे अन्य भी हैं, समान काम के लिए समान वेतन। एक वही पुलिस का दरोगा 4600 का ग्रेड पे ले रहा है, और हमसे 2800 में वो गदगिरी का काम कराया जा रहा है, जो कि आज पहले से एक अंग्रेजों के ज़माने से प्रथाम पे थोपी गई है, वो आज ऐसी चली जा रही है। उनके साथ किसी भी कार्य क्षेत्र में चार चार सिपाही, यहाँ एक पटवारी है, सारा काम वो करेगा। तो हमारा इसका भी है कि समान काम के लिए समान वेतन, और पहले भी हमारे पक्ष में फैसला आया था हाई कोर्ट का, उन्होंने कहा था कि पटवारी से या तो सुविधा दी जाए या तो मान्य लेने कहा था इनसे ये कार्य हटा दिया जाए। आज तक वो कार्य हमसे नहीं हटा, जबरदस्ती हम पे थोपा जा रहा है। आज देख लो आप। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।